सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर सर्विस करते हैं, कौन से पद पर तैनात हैं और क्या क्या करते हैं समाज के लिए? सर, समाज में हमारा एक SC ST एसोसिएशन है। वो SC ST के लिए समाज हित में बहुत सारे काम करते हैं। किसी को समस्या आती है तो उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, अपने भाई को जो भी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत सारे हमारे समाज के व्यक्ति सर्विस करते हैं, तो हमारे मुरादनगर के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ग्रेजुएट सॉरी गरीब बच्चे जो क्षेत्र के अंदर आते हैं इधर उधर गांव के, उनको शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। हाँ, मुझे तो लगता है ऐसा, लेकिन हमारे जो ये हैं अजय गौतम जी हैं, कुछ अपना संस्थान भी चला रहे हैं। जी तो मैंने सुना है तो लोगों से, लोग इन लोगों के बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं उनको बड़ी हेल्प करते हैं। तो MLC है का जो मैं चुनाव होना है 1 तारीख का, उसके अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस कॉलोनी या राधेश्याम कॉलोनी या आपके शिवम विवाह विहार हैं या इधर उधर के जो क्षेत्र हैं, उसके अंदर से क्या उम्मीद लगाई जाएगी, कौन व्यक्ति हमारा जो समाज का है उसको ज़्यादा प्रतिभा ज़्यादा है? जहाँ भी गया हूँ, जिन्हों से जिनसे भी बात हुई है, अजय गौतम जी के पक्ष में है। 99% लोग अजय गौतम जी के पक्ष में है, लेकिन हो सकता है 100% भी हो जाए। उनको समझाया जाएगा और समझा रहे हैं लोग। तो आपकी वोट सपोर्ट किधर होगी? अजय गौतम जी को मिलेगी, वो तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जी, इनको इनकी ये खासियत क्या है, है? ये लोग, ये जो हमारा तबका ऐसा ही है, थोड़ा सा गरीब तबका ज़्यादा है, तो जो भी इनके पास जाता है वो सब इनकी सपोर्ट करते हैं। ये अजय गौतम जी बहुत सपोर्ट करते हैं, और इनके पिताजी भी प्रधान जी रहे हैं। जी, हाँ, तो इनका भी पूरा सपोर्ट रहा है। जिला पंचायत भी रहे हैं, मुरादनगर का जो पार्क है वो इन्हीं की देन है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बाबा धरोहर साहब है। के पार्क में बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनका, हाँ जी, बहुत तो बड़ा उम्मीद सहयोग होगी रहा अजय है। गौतम की क्षेत्र अरे में। मुझे तो लगता है 100%, 101% संभावना है। जी, अभी यहाँ मुरादनगर के अंदर जो है वो लोग भी आ रहे हैं जो दमादम मीटिंगें वगैरह वो करा आने दो, रहे। आने दो। जो समाज के लिए किसी ने कोई काम नहीं करा और वो बाद में आए और अपनी बात रखे, तो उसकी कौन सुनेगा, बताइए। चलो, ये बहुत बहुत ठीक साधुवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम है, देने के लिए। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुधाई जय भीम।